तो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। सर, बहुत स्वागत आपका हमारे ई विमर्श इस कार्यक्रम में। नमस्कार डोटासरा साहब, क्योंकि आपको जाहिर है जितनी मुश्किल वक्त है, इस मुश्किल वक्त में सरकार लगातार काम कर रही है और खासतौर पर राजस्थान सरकार की अगर बात करें तो जिस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए, कदम उठाए गए, उसकी चारों तरफ सराहना हो रही है। लेकिन एक शिक्षा मंत्री के तौर पर सरकार के साथ जुड़कर इस मुश्किल वक्त में किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? सुमित जी, एक हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाए, अच्छी शिक्षा दे, वो अच्छे ऊंचे मुकाम पे पहुंचे। तो उसको लेकर के अब जब कोरोना आया तो निश्चित रूप से उसके स्वास्थ्य के प्रति भी उसकी चिंता हुई और उसकी जो पढ़ाई बाधित हुई बच्चे की, उसको लेकर के भी उसकी बड़ी चिंता हुई और भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित हुआ जी। तो हम सब की जिम्मेदारी बनी, हमारी सरकार की जिम्मेदारी बनी कि हम कैसे उनके भविष्य को संवार सकें, कैसे उनके जो सपने हैं उनको हम लोग पंख लगा सकें, किस प्रकार से बच्चों को स्वस्थ रखते हुए हम उनके एजुकेशन दे सकें, उनकी परीक्षाएं बोर्ड की जो है वो करा सकें, या बोर्ड की नहीं है होम एग्जामिनेशन है तो उसको कैसे कराएं, और घर बैठे उनको किस प्रकार से हम कंटेंट्स उपलब्ध कराएं जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके, वो आगे के अपने भविष्य के बारे में भी सोच सके आगे उन्हें क्या करना चाहिए। और हमारे लिए ये भी चुनौती का विषय हो गया कि हम किस प्रकार से, अगर ये कोरोना इसी तरीके से बढ़ता रहा, जिस प्रकार जिसकी इसकी कोई वैक्सीन नहीं है, दवा नहीं है, पता नहीं ये कब तक रहेगा, तो हम हमारे बच्चों को आगे आने वाली जो नई सत्र है उसमें किस प्रकार से विद्यालयों में हम पढ़ा सकेंगे, अगर विद्यालयों में नहीं आ पाए तो उस बच्चे को हम कैसे शिक्षा दे करके उसका भविष्य को संवारने का काम करेंगे, ये सब चीजें थी। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से लगे हुए थे, हम हमारे स्तर पर से लगे हुए थे और हमने उनकी एग्जाम जितनी हो गई उतनी हो गई, बाकी जो होम एग्जामिनेशन है उनको हमने क्रमोन्नत करने का काम किया, दसवीं और बारहवीं की बोर्ड की एग्जाम्स हैं उनको एक बार हमने स्थगित किया जी। और जो बच्चे घर पे रहने लग गए उनको घर में रखने के लिए हमने स्माइल प्रोजेक्ट हमारे शिक्षा विभाग की तरफ से तैयार किया और व्हाट्सएप ग्रुप से उनके अभिभावकों को, बच्चों को, टीचर्स को जोड़ करके उनको कंटेंट्स उपलब्ध कराए, उनको पाठ्य सामग्री जो पाठ्यक्रम की सामग्री है वो उपलब्ध कराई जिससे वो अपनी पढ़ाई जारी रख सके और आने वाले समय में उसके जीवन में उसमें काम आ सके। तो इस दिशा में हमने एक और नवाचार करने की चेष्टा की कि हम दूरदर्शन और आकाशवाणी जो हमारे पब्लिक सेक्टर के उपक्रम हैं उनके माध्यम से हम निशुल्क कैसे स्लॉट लेकर के, समय लेकर के हम कंटेंट्स जो हमारे विभाग ने तैयार किए हैं उनके माध्यम से बच्चों तक पहुंचाएं, दूर डाणी में जहां पर दूसरे बड़े चैनल दूसरे नहीं हो, जी न्यूज जैसे नहीं हो, तो वो दूरदर्शन या रेडियो आकाशवाणी के माध्यम से कैसे उन तक पहुंचे, इस बात का प्रयास किया गया। और मुझे बताते हुए आपके चैनल के माध्यम से खुशी है कि जावड़ेकर जी को हमने चिट्ठी लिखी तो उन्होंने पहले हमें आकाशवाणी में 55 मिनट का 50 दिन के लिए स्लॉट दिया और कल परसों हमारे पास चिट्ठी आई है कि दूरदर्शन का भी स्लॉट हमें 2-2.5 घंटे के लिए वो दे रहे हैं, इसमें थोड़ा सा नॉमिनल चार्जेज हमसे लेंगे, वो हमने हाँ भर दी है कि वो नॉमिनल चार्जेज बच्चों की पढ़ाई के लिए हम दे देंगे। तो मैं समझता हूँ जो हमको चाहे स्माइल प्रोजेक्ट के माध्यम से हो, चाहे आकाशवाणी के माध्यम से हो, चाहे हमें इस तरीके से दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे हमारा जो पाठ्यक्रम है 1 से लेकर 12 तक का उसको साला दर्पण के ऊपर हमने ऑनलाइन कर दिया, वो लिंक में जाकर के साला दर्पण खोल करके अपने पाठ्यक्रम को पढ़ सकता है, पुराना भी देख सकता है, आने वाले समय में जुलाई से कौन सा पाठ्यक्रम होगा, उसकी क्या किताबें क्या बुक्स होंगी उसको वो देख सकता है, राजीव गांधी जो कैरियर गाइडेंस पोर्टल हमारा है उसके माध्यम से उसको भविष्य में 14 देशों की जानकारी, कहां कौन से विषय में 12वीं पास करके वो कौन सी यूनिवर्सिटी में जाए, कौन सी कॉलेज में जाए, कौन सा सब्जेक्ट उसके लिए ठीक है, कौन से वहां पर कॉलेज में कौन सा कितना अनुदान मिलता है, छात्रवृत्ति मिलती है, कितनी रियायत उसको मिलती है, ये सब चीजें वो देख सके। तो मैं समझता हूँ इस दिशा में हम लोग लगे हुए हैं और हमारे शिक्षक जो निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी में अपनी जी जान से लगे हुए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ में ड्यूटी दे रहे हैं, 3.5 लाख के लगभग शिक्षक हमारे हैं वो कोरोना ड्यूटी भी दे रहे हैं और ई कंटेंट्स तैयार करके हमारे बच्चों को, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, वो पढ़ाने का काम कर रहे हैं बाकी। और इन जिन कदमों का आपने जिक्र किया इनकी तारीफ भी हुई जैसा मैंने कहा और सराहना हुई और जिस तरीके के इनिशिएटिव, क्योंकि काफी चैलेंजिंग है, आप फ्यूचर जो इस देश का है, जो इस देश का
फ्यूचर है उसको आकर किस तरीके से टैकल करना है। आपने क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन का जिक्र यहां पर कर दिया, जो इनिशिएटिव्स आपने किए चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस का हो, उसके बाद एक अपने आप में नवाचार जो आकाशवाणी के जरिए रेडियो के जरिए गांव ढाणी के बच्चों तक अपनी रीच जो है पहुंचाना, ये आइडिया आखिर कैसे आया? और दूसरा, आपको कितना इससे लगता है कि बच्चों को फायदा होगा, खासतौर पर उन तक जो ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं खुद को जोड़ पाते हैं? निश्चित रूप से देखिए, ये आइडिया इसलिए आया कि हम जब छोटे थे तो हम रेडियो बहुत सुनते थे, क्योंकि ये बड़े चैनल दूसरे जो आए नहीं थे, आज जो मार्केट में उपलब्ध हैं, जिन डिश वगैरह ये कुछ भी नहीं था। और फिर दूरदर्शन आया तो दूरदर्शन के माध्यम से भी हमें सूचनाएं मिलने लगी, और जो उसके ऊपर सीरियल वगैरह आते थे, वो शिक्षाप्रद सीरियल वो देखने को मिलते थे। तो मुझे ये पूरा